हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उप सरपंच महोदय यादव जी, हमारे सम्मानीय मनाना है जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी जी, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, खुदीराम जी बोस, मंगल पांडे समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपना बलिदान इस देश की स्वतंत्रता के लिए दे दिया और वह बलिदान हो गए। उस कारण उनकी तपस्या, त्याग और बलिदान से आज हम आज दिन मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारा हम सब आजाद हैं, सब स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता दिवस को याद दिलाता है कि यह स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश को और उसके मूल्यों को सम्मान देना चाहिए। हमें ये याद दिलाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इस्तेमाल करें। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति और विकास किया है और इस उन्नति और विकास को आगे और अग्रसर बढ़ाना है और हमारे देश का झंडा पूरे विश्व में तिरंगा झंडे की शान बढ़ाना है। मैं कुमारी कंचन यादव और पूनम चढ़ाल वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इसके पश्चात में हरिभाई कुशवाहा कविता लोधी के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करेंगी। तेरा जी
पधारे ग्रामवासी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहन, मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ, उसमें जो भी गलती हो छोटा भाई क्षमा करूँगा आपसे। मातृभूमि के लिए करे अपनी जान कुर्बान, मातृभूमि के लिए करे अपनी जान कुर्बान, उसे जवान कहते हैं जिसका दिल नहीं धड़कता देश के लिए, उसे देशद्रोही गद्दार कहते हैं। अरे जहाँ की मिट्टी भी उगले सोना, अरे जहाँ की मिट्टी भी उगले सोना, कण कण में गूंजे वीरों की गाथा, उस सरजमी को हिंदुस्तान कहते हैं। जवानी है वह तो घुसने नहीं देंगे, हम शेर है।
धरती अपना प्यारा तिरंग कभी झुकने नहीं देगी। जब तक सूरज चांद रहेगा धरती आसमान नहीं झुका है नहीं झुकेगा अपना हिंदुस्तान तिरंगा लहरेगा पूरा तिरंगा लहरेगा। मानव के हम चक्र सुतंत्र गंधर्व के कंकाल हम राणा के भाला भी हमें सुहास की तलवार राजगुरु सुखदेव भगत से केसम जो बलिदान हम आए अब जो वीर मुंडानी लेकर भागा जाए नहीं झुका है नहीं झुकेगा अपना हिंदुस्तान तिरंगा लहरेगा मेरा तिरंगा लहरेगा। शान तेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई रन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे मेरा। आपकी चरण धूल को चंदन करता हूँ माँ शारदे की आराधना में वंदन करता हूँ आपकी चरण धूल को चंदन करता हूँ और आज यहाँ पर कुछ बोलने से पहले आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय मंच आदरणीय सरपंच साहब आदरणीय सचिव महोदय जी एवं हमारी संस्था के प्राचार्य महोदय जी एवं मेरे साथ गांव से पधारी हुए सभी गणमान्य नागरिक और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ लगती है 220 दिन में परीक्षा की तो बात परीक्षा की भी जोड़ दें अगर तो ऐसा कोई सा दिन हमारे लिए आज दिन तक नहीं मिला है। आपके बच्चे 100% उपस्थित शाला में हों परीक्षा में भी 100% नहीं हुए और आम दिनों की अगर बात करें कितना ही चाहे परीक्षा का समय निकट हो चाहे और दूसरा तो मैंने हमारे इन 4 वर्षों के अनुभव में कभी 60% से उपस्थिति 61% नहीं देखी। जब जो 40% बच्चे हमारे स्कूल परिसर में नहीं आएंगे या क्लास में नहीं बैठेंगे तो हमें तो नहीं लगता है कितना ही अनुभवी शिक्षक हों कितने भी परिश्रमी शिक्षक हों पालक हों तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ अगर 100% हमारे बच्चों की उपस्थिति हो जाएगी तो ये दावा मैं करता हूँ तो 100% रजत मैं दरवाजा तो सभी पालकों से मेरा अनुरोध है और बड़ा विनम्र निवेदन है जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे दर्ज हैं पहले से भी कहते आ रहे हैं तो 100% सभी बच्चों को कम से कम साला समय में सुबह 10:30 से 4 बजे तक तो बच्चों के लिए यहाँ पर आपका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा कुछ बन जाए पढ़ जाए लिख जाए सीख जाए सामाजिक व्यवहार सारी परिस्थिति मगर वो समस्या जब ही दूर होगी कि जब बच्चा साला तक आएगा तो फिर साला तक आने के बाद उसकी सारी संपूर्ण जवाबदारी मेरी है और उसके परिणाम 1 या 2 वर्षों में आपके लिए सामने आएंगे। क्योंकि 1 दिन में या 2 दिन में परिणाम नहीं निकलते हैं है? जैसे फसल भी बोते हैं किसान तो आज वो और कल काटना तो संभव नहीं है उसके लिए भी समय का तो इंतजार करना पड़ता है और हमारा तो मुख्य समय है कि प्रवेश से लेके परीक्षा परिणाम तक जिस दिन परीक्षा परिणाम बच्चे का आता है तो वो आईना होता है वो बताता है और निश्चित है कि हम आशा करते हैं आप लोगों से कि सभी को सभी पालक अपने अपने छात्रों को नियमित स्कूल पहुंचाएंगे। इसी के साथ सभी का आभार धन्यवाद और समस्त आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वारे नीले आसमान आने के तले हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था।